एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो क्लास है जो कुमार गौरव सर के द्वारा हुई है 14 मई की, उसके मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में ये क्लास लेकर आई हूँ, उसके हैंड रिटन नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को कि हाल ही में 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी सन 2024 की विजेता टीम कौन सी है। तो विजेता टीम जो है वो जापान है, और जापान ने किसको हराया है, तो ये पाकिस्तान को हरा के जापान विजेता बन चुका है सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का। ट्रॉफी हॉकी की है, और ये जो आयोजन हुआ है ये ट्रॉफी का, तो ये मलेशिया के इपोह में हुआ है जो हमेशा होता है। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था, भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन पहले भारत 5 बार इसको जीत चुका है। अभी हाल ही में थॉमस कप उबेर कप किसने जीता है, तो ये चीन ने जीता है, इंडोनेशिया को हरा के जीता है। हॉकी के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सलीमा टेटेन है जिन्होंने जीता, ये खिलाड़ी हैं, कप्तान भी यही है, झारखंड की रहने वाली। पहली भारत राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग आयोजन कहाँ हो रहा है, तो ये रांची में हो रहा है। हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो कामी रीता शेरपा ने बनाया है। ये एक पुरुष हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर है। इसे सागर मंथा भी बोला जाता है। तिब्बत में इसे चोमलुंगम बोलते हैं, जिसका अर्थ है घाटी की देवी। एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे थे, जो 29 मई 1953 में उन्होंने ये फतेह किया था। पहली महिला कौन है, तो ये जोको तोगोई हैं। भारतीय पहली महिला कौन है, तो ये बिछेंद्री पाल हैं। और पहली दिव्यांग महिला अरुणा सिंह हैं। और दो बार पहली महिला फतेह करने वाली कौन है, तो ये संतोष यादव हैं। चर्चा में रहा कि डेविड समझौता का संबंध किससे है, तो ये इजराइल और मिस्र से संबंधित है। ये एक समझौता है जो इन दोनों के बीच में हुआ था कि जो अरब देश है उनमें शांति बनाए रखी जा सके, और इसकी मध्यस्थता यूएसए ने की थी 1978 में। इसकी मध्यस्थता यूएसए के द्वारा की गई थी। इजराइल की जो मुद्रा है वो निशेकल है, संसद निसेट है। और G2G जो अभी हुआ है वो इंडिया के साथ हुआ है समझौता, एक G2G एग्रीमेंट हुआ है। हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो दिलीप सहानी को किया गया। इफ्को के फुलफॉर्म इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। नैनो यूरिया लॉन्च कौन किसने किया था, इफ्को ने ही लॉन्च किया था। आर लक्ष्मीकांत राव जो हैं वो RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं, और आर शंकर रमन LMT के हेड हैं। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 मई को मनाया जाता है। किसके रिगार्डिंग, क्यों मनाया जाता है, फॉरेंस नाइट गर्ल्स ही उनका बर्थडे के होता है इस दिन। इन्हें लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं। 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी, इन्हें हमारी नर्स हमारा भविष्य। पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल वॉल लिंक कहाँ आयोजित करने की घोषणा हुई थी, तो घोषणा हुई है भारत, पहली बार ये मनाया जाएगा और भारत का होस्ट है। 24-25 में ये होने वाला है पहली बार, और कौन कराने वाला है, गौरव नाटेकर इसका आयोजन करेंगे, जिसकी नाटेकर कंपनी है उसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, मतलब उसमें आयोजित किया जाएगा। इसमें 7 से 70 साल के लोग भी शामिल हो सकते हैं। और इसमें जो पिकल बॉल है उसमें कौन कौन से गेम शामिल होंगे, बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस इसमें शामिल होंगे। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खिलाड़ी जो होते हैं, पोलो के 4 होते हैं, बेसबॉल में 9 और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में किस राज्य में मंदिर में कनेर के फूलों में उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो केरल एक राज्य है, केरल में प्रतिबंध लगाया गया मंदिरों में कनेर के फूल को चढ़ाने पर। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया का, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। और थैलाफाइट, टेरेडोफाइट और बायोफाइट जो है वो पुष्प नहीं देते और बीज भी नहीं होते इन पे, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो बीज और पुष्प दोनों इसमें होते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने समझौता किया है। इसे 15,000 महिलाएं इसमें वर्क कर सकती हैं, मतलब, और ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो एम्पावरमेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हुआ है, इसमें उर्वरक छिड़काव खेतों में कर सकती हैं इस ड्रोन के द्वारा। और इसमें 2 स्थानों को चुना गया है, हैदराबाद और नोएडा। जो 2 स्थान चुने गए वो हैदराबाद और नोएडा हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैट बॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये हनुमान है। लॉन्च किसने किया, तेलंगाना ने किया है। और ये जो जानता है 12 भाषाएं जानता है भारत की। AI से संबंधित कुछ पॉइंट है कि इरहा जो AI फिल्म है उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। देविका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मीका एक फर्स्ट CEO AI है। आयरस एक फर्स्ट AI टीचर जो केरल ने लॉन्च किया है। और लीसा छेत्री न्यूज़ एंकर है।
भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है, तो बाढ़ से राहत पाने के लिए ये जो ऑपरेशन चलाया गया वो सिक्किम में चलाया गया है। सिक्किम जो स्टेट के रूप में आए थे आर्टिकल 2 के द्वारा भारत शामिल हुआ था, और जो है गंगटोक संविधान जो 36 के संविधान संशोधन जो 36वां हुआ था उसमें ये आया था। गंगटोक उसकी राजधानी है, लोसांग सिक्किम में माना जाता है, भूटिया लेपचा जनजाति सिक्किम में पाई जाती हैं। तो जो गुरुव सीरीज़ है उसका एपिसोड 1 स्टार्ट हो चुका है, उसको भी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर गौरव सीरीज़ का एपिसोड 1 है, इसमें कुछ अवार्ड्स हैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ। जैसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार अभी दिया गया अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया अवार्ड है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है, मोहम्मद सलेम ने जीता है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे मिला, तो वी सुब्र राव जी को मिला ये अवार्ड। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो कौशिक राजशेखर जी को मिला है। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, इसे सम्मानित किया गया, तो वैजंती माला पद्म, चिरंजीवी और वेंकैया नायडू को मिला ये अवार्ड। विदेश्वर जी को मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से मलयालम कवि हैं उनको सम्मानित किया, प्रभा वर्मा जी को यह अवार्ड मिला है। एबल पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो ये मिशेल टेलग्रेट को मिला है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक गायल गलायो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन है, तो प्रमुख जो बन चुके हैं पीएम मोदी जी बन चुके हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टीवा पिस्कोवा ने यह जीता है। जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉल्टियर सर्विजेस पुरस्कार मिला है, तो यूएसए हैं इनको ये अवार्ड, यूएसए से मिला है इनको ये अवार्ड। के पी नावियार पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो एस सोमनाथ जी को मिला। के पी बी नावियार पुरस्कार जो मिल चुका है एस सोमनाथ को मिला है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार जी को मिला है। रोमैन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो पंकज कुमार जी को मिला है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसे मिला, तो यतीन भास्कर को मिला है ये। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे मिला है, तो नोवाक जोकोविच को अवार्ड मिला है। तो ये एक गौरव सीरीज़ का पहला एपिसोड है, उसके मैंने ये अवार्ड्स जो डिस्कस किए गए मैं आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।